तो क्या रूट है यार लेह का कारगिल से। और नींबू आने वाला है, जस्ट नींबू एक गांव है। क्या नज़ारे हैं, देखो नज़ारे, कितने सारे माउंटेन्स एक साथ। तो ये है लेह की मॉल रोड। थोड़ी ही देर में दुकानें बंद होने वाली है। अभी जहाँ हम लोग रुके हुए हैं ये है दहा गांव। तो जो भी आर्यंस का फेमस विलेज है दहा है, यहाँ पर 4-5 और भी है, बट जो ज़्यादा फेमस है वो दहा विलेज है। तो जब भी आप आओ दहा विलेज तो बटालिक से 15 से 20 किलोमीटर है। तो कुछ ऐसा गांव है दहा। जैसे आप मेन रोड से लेफ्ट लोगे कट में ऊपर आना पड़ेगा, 3-4 किलोमीटर ऊपर है और इन पहाड़ों के बीच में। और यहाँ सेब की खेती है और ये अंगूर की खेती है यहाँ पे काफ़ी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा गांव एक्सप्लोर कर रहे थे और एक्सप्लोर करते करते यहाँ की छोटी स्टोरी हमने थोड़ी पता करी। तो स्टोरी का यहाँ कुछ ये सारे यहाँ पे जितने भी लोग सारे आर्यंस है। और कुछ ऐसी स्टोरी पता लगी है कि अलेक्जेंडर सिकंदर जो था यहाँ पे पहले आया था, तो कुछ लोग यहाँ रह गए थे। तो वही लोग है ये आर्यंस वाले कि ये अपने आप को आर्यन बोलते हैं कि हम लोग उनके कहने से वंशज है, वो हमारे पूर्वज थे। तो और ये पूरा गांव ऐसा। और ये हमारा भाई है, हमारे साथ घूम रहा है यहीं पे। क्या नाम है भाई आपका? तो भाई का है। तो जो हमारा होमस्टे उसके जस्ट पास में गोम्पा है और गोम्पा का कुछ व्यू ऐसा है। और ये हमारे भाई है यहाँ के, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे गोम्पा भी है। गोम्पा आप देखो। और अभी मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर चल रहा है, ऐसा काम चल रहा है अभी। यही है क्या? तो उस पर अभी नहीं है ना गोम्पा, चाबी लिया। ये गोम्पा है और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक, कोई है घर में चाबी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गेट लॉक लगा हुआ है तो अंदर तो कुछ दिखेगा नहीं आपको साफ। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क आता है पर बहुत ही कम आता है, मतलब पकड़ता भी नहीं है। एयरटेल का नहीं, सॉरी, यहाँ पे BSNL का नेटवर्क आता है। क्या चीज़ क्या है भाई? ये पूरा नज़र ना लगे। अच्छा, नज़र ना लगे है। तो ये नज़र ना लगे इस गांव के, इस गोम्पा को, गोम्पा के लिए है। हाँ। तो इस गोम्पा को नज़र ना लगे। तो ये है क्या वैसे? ये बकरी का शीश असली से असली। हाँ। तो भाई ये बकरी का असली सर काट के और यहाँ गोम्पा पे लगाया हुआ जिससे ये नज़र ना लगे। ये देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं गोम्पा से आगे। तो खर क्या होता है? खर क्या होता है? घर या घर के जैसे पुराना घर है ना। अच्छा, ये पुराना घर है, झोपड़ी जो टाइप होती है। खर घर या खर। मेडिकल सब जनरल हॉस्पिटल। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं लेह की तरफ। आर्यन वैली का सफ़र यहीं पे थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ये बोल रहे मेरी फ़ोटो खींचो। ये सामने हमारे बैठे हैं आर्यन वैली की ड्रेस में, सर पे फूल लगा के। तो चल रहा हूँ भाई मैं आगे। यहाँ से करीब 160 किलोमीटर है तो लेह, तो 4 से 5 घंटे और लगेंगे। बाकी देखो कितनी चौड़ाई में नदी है पूरी है और बहुत ही ठंडा पानी है भाई यहाँ का। इसका बहुत ज़्यादा ठंडा पानी क्योंकि ये सारी ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है पानी। तो आर्यन वैली करीब हम 7-8 किलोमीटर पीछे से छूट के आ गए और आगे हनु गोम्पा है। तो वैसे तो मेरा तो है नहीं फ़िलहाल वहाँ जाने का, और सीधा लेह का, ये कि लेह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग लेह पहुँच जाए। अभी टाइम करीब हो चुका है 12:50, तो 5 बजे तक लेह पहुँचने का है। और ये वाला जो रूट है कारगिल से बटालिक, बटालिक से आर्यन वैली होते हुए और जाके खलसी में ये रोड मिलेगा हाईवे पे, लेह कारगिल हाईवे पे। तो एक तरफ तो लामायूर की तरफ चल जाएगा और दूसरा चल जाएगा ये लेह की तरफ। बाकी यार आर्यन वैली विजिट करो, अच्छी जगह है और डिफरेंट कल्चर है। और तो जो कहते हैं कि सिकंदर के वंशज है ये लोग, और पर कुछ गांव अब दूसरी संस्कृति को अपनाने लग गए साथ साथ, और ये लोग कुछ लोग और कुछ लोग वही संस्कृति अपना रहे हैं जो पुरानी चली आ रही है। और तो यहाँ से कारगिल 90 किलोमीटर है, खंगराल 28 और लेह 55 किलोमीटर। लेह के लिए अपने को सीधा जाना है और खलसी है 55 किलोमीटर, तो मतलब 55 किलोमीटर बाद हाईवे आ जाएगा। फोन हो गया था। तो अभी हम हैं संजक गांव में, और संजक से एक रूट कट गया हमारा कारगिल की तरफ और एक रूट जा रहा है हमारा खलसी, यहाँ से सीधा लेह के लिए। तो स्ट्रेट जो ये रूट जा रहा है ये जा रहा है खलसी, और जो ये वाला रूट जा रहा है ये जा रहा है कारगिल। तो यहाँ से खलसी 55 किलोमीटर है और कारगिल और खलसी 55 किलोमीटर है और लेह 155 किलोमीटर है। तो 55 किलोमीटर यहाँ पे भाई हाईवे आ जाएगा। तो फिर चलते हैं यहाँ से। तो ठीक 2:30 बजे हम लोग खलसी पहुंच चुके हैं और हम लोग यहां से लेह में एंटर कर जाएंगे। तो ये खलसी का व्यू पॉइंट है, थोड़ा सा काफ़ी टाइम को चलते हुए। तो क्या तो कॉफ़ी या लेमन टी, देखते क्या मिलता है यहाँ पे। सांस पुल में हम, तो सांस पुल में मजे लेते खाने की। क्या बैग वाला तो क्या रूट है यार लेह का कारगिल से। और नींबू आने वाला है, जस्ट नींबू एक गांव है लेह से पहले, और बिल्कुल स्ट्रेट रूट है यार, बिल्कुल स्ट्रेट रूट। देखो क्या मक्खन गाड़ी चल रही है, मक्खन एकदम। नींबू 14 किलोमीटर, और तो मेरे जस्ट आगे एक बाइक चल रही है, तो उस बाइक पे आप देखना क्या लिखा हुआ है और उस बाइक पे कौन है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नंदू कर्नाटक जो तिरुवनंतपुरम है शायद, रोहतांग। और साथ में भाई अपनी वाइफ, ठीक है, और 1 साल की एक बच्ची है और 3 या 4 साल का एक लड़का है। इनको बाइक पे लेके जा रहा है। अब देखना क्या टैलेंट, ये देखो बच्चा बीच में, वाह भाई वाह। और देखो आगे बच्ची है भाई, गजब। बच्ची देखो यार, हद हो गई भाई। तो जो ये सामने दिख रहा है ये पूरा का पूरा लेह सिटी है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट थोड़ी देर पहले से लेह स्टार्ट हो गया, पर यहाँ पे अभी भी 7 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वैसे हो चुका है लेह स्टार्ट। तो और ये पूरे सारे आर्मी कैंप है और सामने अपना लेह सिटी है। तो और टाइम हो चुका है 5:30, तो हम क्या रुकते रुकते आए थे बीच में, और एक आध वीडियो बनाए थे बीच में अपने फ़ोन से ही। बाकी ओह यहाँ का वीडियो हो रही है। ठीक है, यहाँ हॉल ऑफ फेम। ठीक, ये है लेह की मॉल रोड और बस थोड़ी ही देर में दुकानें बंद होने वाली है। बाकी व्यू बहुत प्यारे हैं और लाइट अच्छी है। इसको भी मॉल रोड बोलते हैं लेह की। तो हम लोग सियाचिन वाले रूट पे आ चुके हैं और यहाँ से पनामिक होके हम लोग सीधा सियाचिन में एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ देखो ना, 709 किलोमीटर सियाचिन बेस कैम्प 52, कुमार पोस्ट 112। तो कुमार पोस्ट तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग होती है।